ये मछली है, इसको हम वॉश कर रहे हैं। ये है जी हमारे दोस्तों का बेटा, ईंटों वाला। ये वॉश हो रही है जनाब हमारी मछली, क्योंकि जब हमने मछली कटवाई थी तो इसको मसाला लगा हुआ था इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, अजवाइन और काला नमक, ज़ीरा वगैरह। इसकी एक साइड ऊंची है, एक साइड नीचे है, और इसमें से एक साइड यहाँ पे पानी आ जाएगा, यहाँ से हमने अभी पानी निकाल दिया है। ये कौवे शवे भी आ गए हैं जनाब हमारे, मछली धो रहे हैं ना हम, उस वजह से इसके जो ये पानी हमने ट्रे में से जो साइड पे इकट्ठा हुआ था सारा निकाल दिया है, और ये काफ़ी हद तक मछली खुश्क हो गई है। अब इसको मसाला लगा के रखते हैं। ये भी बिल्कुल गांव वाला माहौल है जी हमारा इस वक्त। ये बैठा है जनाब, ये पंजाबी स्टाइल पंजाबी झटका फूड की ये हमारी एक रेसिपी दे रहे हैं हम। ये हमने एक चम्मच लहसुन डाला है जिसमें, लाल मिर्च डाल रहे हैं, अब टमाटर डाल दिया हमने साथ इसके, आधा किलो के करीब टमाटर थे हमारे, और ये हल्दी डाल दी है हाफ टेबल स्पून। ये मछली का शोरबे वाला सालन तैयार कर रहे हैं हम लोग, टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर का छींटा लगाएंगे, अब हम नमक भी डालते हैं साथ ही, हाफ टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा पानी डाला है हमने तकरीबन आधा कप, ताकि हमारे टमाटर जो हैं गल जाएं इस पानी में। यह मछली डालने लगे हैं आप, यह शोरबे वाला सालन बन रहा है हमारा मछली का, मसाला हमारा अच्छी तरह भुनाई हो चुका है। ये हम पानी डाल रहे हैं जनाब, और 4 मिनट तक हम बॉयल आने तक पकाएंगे, बस उसके बाद हम धनिया वगैरह डाल के इसको ओके हो गई हमारी मछली। हम तड़के वाले चावल बना रहे हैं सादा से, बस सिर्फ ये जनाब तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसमें घी डाला है,
टमाटर लहसुन ज़ीरा दालचीनी लौंग और नमक। ये जनाब हम किस आग पे पका रहे हैं? भट्टे की आग पे रख दें जी ऊपर। ये चावल बना रहे हैं हम। जी हम भट्टे के ऊपर बना रहे हैं। हमारे पास यहाँ आग का यही इंतज़ाम होता है। हमने लकड़ियाँ जलाने की जगह पे ना हमने ये सोचा है कि जहाँ ईंट पकती है ना वहाँ पे, जहाँ कोला डालते हैं वहाँ पे जनाब ये हम ये बाकी भट्टा है। ये हमने लहसुन डाल दिया है। ठीक है सही है। देखो ये टमाटर कैसी भी है। ठीक है ये हमने लहसुन और टमाटर डाल के इसको भून रहे हैं। पानी का छींटा लगाया हमने ताकि हमारा प्याज जल ना जाए। साबुत मिर्च जा रही है ग्रीन, तीन चार हमने डाल दी है इसमें। इसमें थोड़ा सा दही डालने लगे नहीं के लिए पैकेट वाली। ये हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं अब तकरीबन एक टेबल स्पून, और ये दालचीनी लौंग हल्की सी भुनाई करेंगे। इसमें पानी डालने के लगे हैं। 1.5 किलो चावल हैं, 3 किलो के करीब पानी डलेगा इसमें। अब इसको ढाँक के उबाल आने तक पकाएंगे और फिर चावल डाल देंगे इसमें। ज़ीरा भी हमने इसमें डाल दिया है। उबाल आने तक इसको पका लेंगे। ये आग नीचे बहुत तेज होती है, यहाँ फौरन बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम चावल डाल रहे हैं। ये अब दम पे लगाने लगे हैं इसको। यहाँ पर आग तेज़ है, अब हम दम पर लगाने लगे हैं। बस ये जनाब हमने भट्टे पे दम पे लगा दिए, यहाँ से हमने बंद कर दिया। हमने इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 कप के करीब घी डाल दिया है। ये हमारे पास बड़ी तवी है, अब इसके ऊपर हम फ्राई करेंगे। ये घी हमारा फुल गर्म है जी। अब हम इसको उल्टी साइड, ये जो इसकी जल्द वाली साइड होती है ये ऊपर रखते हैं हम लोग, इसको इस साइड से पकाएंगे हम लोग। खाल वाली साइड जिसको बोलते हैं ये ऊपर है, ये इसमें हल्का हल्का फ्राई होगी तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आ जाएगी आगे। हमने इसको दबा दबा के खुश कर लिया है, ये देखें इस तरीके से। ये हम देसी तरीके से इस तरह पकाते हैं इसको। यहाँ पे
ये जनाब हमारी मछली फ्राई होकर तैयार हो गई है, ये बड़ी खुश्क तैयार हुई है जी।